नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान और फ्री है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आप घर बैठे ही मुफ्त में आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड कंप्यूटर के प्रोग्राम, टैली ईआरपी 9, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, पेज मेकर, एमएस ऑफिस 2010 की सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया हो तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम आगे सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऑफिस एमएस एक्सेल 2010 में परसेंटेज निकालना सिखाऊंगी। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बनाया हुआ है और हमें इस पर फाइनल परसेंटेज निकालनी है, तो हमने यहाँ पर चार पेपर्स के नंबर यहाँ पर बनाए हुए हैं ए बी सी डी कॉलम्स में। 100-100 नंबर में से हमने ये मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका टोटल ई कॉलम में है। अब इस ई कॉलम पे हमें फाइनल परसेंटेज निकालनी है कि बच्चे को कितनी परसेंट यहाँ पर मिली है, और टोटल जो है हमारे 400 नंबर में से ये नंबरिंग दी हुई है। हम एफ कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे इक्वल टू ई वन डिवाइड 400 इंटू 100 ब्रैकेट, देन एंटर करेंगे हम। तो हमारी जो ये है, जैसे इस स्टूडेंट की यहाँ पर 45% बनी है, इस तरह से हम सभी की परसेंटेज यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर हम एक की परसेंटेज निकालने के बाद इसको सेलेक्ट करके, और इस तरह से ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट पॉइंट पर हम टच करेंगे तब, तो इस प्लस के चिन्ह से हम इसको ड्रैग कर देंगे। इस तरह से हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद हम कंटिन्यू सबकी परसेंटेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये ऊपर आपको एफ एक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये होती है फॉर्मूला बार। इसमें हम हमारे फॉर्मूलाज को देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम लेंगे कमांड्स में कट कॉपी पेस्ट। जैसे हमने ये एक प्रैक्टिकल बनाया, इसको हमें यहाँ से कट करना है, तो हम कट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम यहाँ पर सेकंड शीट पे इसको लेना चाहते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 दिखाई दे रही है। शीट 2 पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से फर्स्ट नंबर से शीट को कट करके सेकंड नंबर पे पेस्ट किया। इस तरह से हम किसी भी डाटा को कहीं से भी कट करके किसी भी शीट पे मूव कर सकते हैं। हम एमएस एक्सेल का डाटा वर्ड में ले सकते हैं, वर्ड का डाटा एक्सेल में, इसी तरह से हम कट करके कॉपी करके डाटा को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे इसमें कॉपी। जैसे मुझे इसकी कॉपी करनी है तो सेलेक्ट करके हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। यही डाटा अब मुझे सेकंड वापस शीट नंबर फर्स्ट पे लेना है, तो शीट नंबर फर्स्ट ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करके ले लेंगे। हमारी यहाँ पर जो कट की शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल एक्स, और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी, और कॉपी करने की होती है कंट्रोल सी। हम कीबोर्ड से ये की प्रेस करके डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मेट पेंटर, जो मैंने आपको वर्ड एमएस वर्ड में भी सिखाया था, जैसे हमने एक प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, इसी की कॉपी करके हम इसको डाउन में पेस्ट करेंगे। प्रेस करने के बाद जैसे हम यहाँ फर्स्ट वाले पे कुछ भी इफेक्ट दे देते हैं, फॉर्मेटिंग दे देते हैं, जैसे हमने बोल्ड किया, साइज बढ़ा दी,
अंडरलाइंस दे दी और बॉर्डर इफेक्ट्स हम यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स करके इफेक्ट देंगे। अब यही इफेक्ट मुझे सेकंड यहाँ पर इस प्रैक्टिकल पर लेना है, तो हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इससे हम सेकंड वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। तो यही इफेक्ट सेम सेकंड प्रैक्टिकल पर हम दे सकते हैं। इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे बोल्ड इटैलिक। जैसे हमें इनको इटैलिक्स में चेंज करना है, तो हमने आपको ये एमएस वर्ड में भी सिखाया था। संख्याओं को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आई पे क्लिक करके इटैलिक इफेक्ट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इन सबको अगर हमें नॉर्मल करना है, तो यहाँ से हम बी से बोल्ड क्लियर करेंगे, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। बॉर्डर को भी नॉर्मल करना है, तो हम सिलेक्ट करके इनको और बॉर्डर्स पे जाकर यहाँ पर लेंगे नो बॉर्डर। हम इनकी साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ से फॉन्ट साइज में जाके हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, या आपने यहाँ देखा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसके पास जो दिया हुआ है इनसे भी हम फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कलर्स, फिल कलर। जैसे हमें इसमें कलर्स फिल करना है, तो हम यहाँ पर फिल कलर पे क्लिक करके जो भी कलर हमें लेना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है फॉन्ट कलर, इसके एरो पे हम क्लिक करके तो यहाँ पर हमारे सामने पूरी विंडो आएगी कलर्स की। जो भी कलर्स हमें अप्लाई करना है हम फॉन्ट पर अप्लाई कर देंगे। अगर हम इनको वापस नॉर्मल करना चाहें, तो फॉन्ट कलर पर क्लिक करके यहाँ हम लेंगे ऑटोमेटिक, इस पर फिल कलर पर क्लिक करके हम लेंगे नो फिल। सारे इफेक्ट्स हम यहाँ से इस तरह से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे हम लेफ्ट राइट सेंटर, हमें जैसे ये जो हमारे वैल्यूज हैं इनको लेफ्ट राइट सेंटर करना है, तो हम लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट में ले लेंगे, सेंटर पे क्लिक करके सेंटर कर देंगे और राइट पे क्लिक करके राइट कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे क्लिक करके हम हमारी जो टेक्स्ट है वैल्यू है इनको डायरेक्शंस इनकी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेंगे एंगल, सेकंड डायरेक्शन है एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट डाउन। इसके बाद हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे ये आपको ओरिएंटेशन का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके हम सीधे डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर 0 degrees आपको दिखाई देगी और ओके कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी वापस नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इससे हम इसको डिस्क्रीज, इंक्रीज और डिस्क्रीज पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया ये डिस्क्रीज इंडेंट, अब हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको इंक्रीज एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हम इन कमांड्स का यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।